तो इस समय भारतीय जनता पार्टी में जो उत्साह देखा जा रहा था, जैसा कि हम देख रहे थे कार्यकर्ताओं में उत्साह है, गजब का उत्साह है। और भारतीय जनता पार्टी की जो मेयर पद की प्रत्याशी हैं श्रीमती कामिनी राठौर जी, उनको जीत हासिल हुई है और बहुत अच्छी अच्छे वोटों से वो जीती हैं। आज पूरे दिन हमने लाइव में आपको दिखाया भी था कि किस तरीके से जो है वो हर एक राउंड पर भारतीय जनता पार्टी ही आगे थी। हम जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगी कामिनी जी, कैसा लग रहा है आपको, कैसा फील हो रहा है आपको कि आप जीत गई हैं और आप जो लोगों ने जो आप पे भरोसा जताया था उस पर आप करीब हुई। नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय जेपी नड्डा जी, माननीय भूपेन्द्र चौधरी जी, सभी वरिष्ठ नेतागण, सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता, सभी शहर की देवपुर जनता, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, सभी की बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। हमेशा सभी की रेडी रहूँगी। मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, जैसे मैंने जनसंपर्क में दिन रात एक कर दिया, वैसे ही इस शहर को स्वच्छ एवं साफ बनाने में और विकास करने में दिन रात एक कर दूँगी। मेरे घर के दरवाजे आप सभी के लिए 24 घंटे खुले रहेंगे। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। आशा है आप, जैसा कि हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की महापौर पद की प्रत्याशी, और अब तो प्रत्याशी नहीं कहेंगे बल्कि महापौर कामिनी राठौर जी हमारे साथ थी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस समय भारतीय जनता पार्टी से निर्विरोध जीती हैं श्रीमती पूनम शर्मा जी। पूनम जी, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि तिलक नगर की वार्ड नंबर 26 की जनता ने मुझ पर इतना विश्वास जमाया कि और इतना प्यार दिया आपके चैनल के माध्यम से, मैं उनका आभार भी व्यक्त नहीं कर सकती। मेरे पास शब्द कम है। उनने मुझ पर इतना विश्वास जमाया है और उन्होंने मुझे जिस तरह से विश्वास जमाया, उसी तरह से उनके विश्वास पर मैं खरा उतरूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप आगे आपके साथ में कोई आपके सामने कोई विपक्षी पार्टी या कोई भी प्रत्याशी नहीं था, आप निर्विरोध जीती हैं, इसका मतलब ये है कि जनता का कहीं ना कहीं आपसे विश्वास है और जनता की कहीं ना कहीं आशाएं भी होंगी कि आपने जिस तरीके से पिछले कार्यकाल में काम किया, आगे भी आप आने वाले कार्यकाल में काम करें। देखिए, बिल्कुल ऐसा है, जब जनता विश्वास मुझ पर करेगी तो मैं भी उनके 24 घंटे के लिए उनके लिए तत्पर रहूंगी काम करने के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं निर्विरोध हुई तो मैं किसी भी जो बाढ़ की है या बाढ़ से अदर भी है तो जो मेरे पास आई है मैं उनके पास जाऊंगी, जो भी समस्या होगी उसको तत्काल प्रभाव से खत्म, जो भी समस्या हो उसको खत्म करने की कोशिश करूंगी। महापौर पद पर भी भाजपा की जीत हुई है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आप हमारे योगी बाबा जी हैं, मोदी बाबा जी हैं, तो आपको मालूम है कि फिरोजाबाद में कमल तो खिलना ही था और सगुन तो आपको पता है, जिस दिन हम लोग पर्चा भरने गए थे उस दिन बारिश भी हुई थी, इंद्र देवता भी प्रसन्न थे, और जब इंद्र देवता तभी प्रसन्न होते हैं जब किसी सामने वाले पर अपनी कृपा दृष्टि देते हैं, तो कृपा तो उसी दिन से चल रही थी, तो फूल तो खिलना ही था और कीचड़ में कमल खिलता है तो इसलिए खिला। तो ये थी पूनम शर्मा जी, वार्ड नंबर 26 से निर्दलीय निर्विरोध प्रत्याशी थी भारतीय जनता पार्टी से, और जैसा कि उन्होंने बताया कि वो उन पर जनता का विश्वास जो है उस पर वो खरा उतरेंगी।